गाइस पोकेमोन की टाइप मिस्टेक होती है तो हमने सुना था, लेकिन गाइस हमने ये नहीं सुना था कि पोकेमोन के अटैक में भी टाइप मिस्टेक होती है। यस गाइस, आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे पोकेमोन के अटैक के बारे में बात करने वाले जिनको गलत टाइपिंग दे दी है, जिनको ऐसी टाइपिंग दे दी कि जो कि कोई सेंस ही नहीं बनाता, या फिर गाइस हम ऐसा भी कह सकते हैं जिनको जो टाइपिंग देनी चाहिए थी उसकी जगह कुछ और ही टाइपिंग दे दी है। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड तक। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे पोकेमोन की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, रॉक क्लाइंब। गाइस रॉक क्लाइंब काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, और गाइस इस मूव को कोई भी पोकेमोन नॉर्मली यूज कर सकता है। और गाइस रॉक क्लाइंब एक नॉर्मल टाइप का मूव है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। गाइस एक किस एंगल से नॉर्मल टाइप का मूव लगता है, गाइस इसके तो नाम में भी आता है रॉक, तो इसे रॉक टाइप देना चाहिए था। और वहीं पर गाइस अगर रॉक टाइप नहीं दे सकते तो कम से कम ग्राउंड टाइप तो दे सकते थे, क्योंकि गाइस ये मूव जब एनिमे के अंदर अपीयर हुआ था तो गाइस देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये एक ग्राउंड टाइप का मूव है। इसीलिए गाइस रॉक टाइप में तो कम से कम ग्राउंड टाइप तो दे ही सकते थे, लेकिन गाइस इन लोगों ने ग्राउंड टाइप भी नहीं दिया और दे दिया नॉर्मल टाइप। तो गाइस अब नंबर 2 पे है ओब्लिवियन विंग। गाइस ये मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, और ये मूव वर्टल का सिग्नेचर मूव है। और गाइस मेरे ख्याल से ओब्लिवियन विंग को गलत टाइपिंग दे दी गई है। गाइस इसकी टाइपिंग है फ्लाइंग टाइप, जो कि देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। गाइस इसको टाइपिंग देनी चाहिए थी तो वो है डार्क टाइप, क्योंकि गाइस ये मूव इतना खतरनाक है ही। गाइस अगर ये मूव किसी भी इंसान या पोकेमोन को टच हो जाता तो गाइस वो एक ही बार में पत्थर बदल जाएगा। तो गाइस अब आप लोग खुद ही सोचो, इतने ज़्यादा खतरनाक मूव को क्या फ्लाइंग टाइप देना चाहिए था? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। अगर इसे डार्क टाइप देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि गाइस डार्क टाइप में इतने खतरनाक मूव ज़्यादा जिसते एज कम्पेयर टू फ्लाइंग टाइप से। तो यार इसे डार्क टाइप दे सकते थे, लेकिन गाइस ये एक फ्लाइंग टाइप का मूव है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। तो गाइस नंबर 3 पे है स्प्लैश। तो गाइस स्प्लैश बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, और ये मूव मैजिक आपका सिग्नेचर मूव है। नहीं गाइस मजाक कर रहा हूँ, ये मूव मैजिक आपका सिग्नेचर मूव नहीं है। और गाइस ये मूव कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और गाइस ये मूव बहुत ही बेकार मूव है, इससे बेकार मूव तो मैंने आज तक देखा नहीं। और गाइस इस मूव को ज़्यादातर मैजिक आप ही यूज़ करती है। और गाइस अगर मैं इस मूव की टाइपिंग बताऊँ तो गाइस इस मूव की टाइपिंग है नॉर्मल टाइप, जो कि बिल्कुल भी गलत टाइपिंग है स्प्लैश के लिए। गाइस भले ही ये मूव बहुत ही कमज़ोर मूव हो, लेकिन फिर भी गाइस इसे नॉनसेंस वाली टाइपिंग दे दी है जो कि है नॉर्मल टाइप। गाइस इसे नॉर्मल टाइप की जगह वॉटर टाइप देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि गाइस ये मूव हमने ज़्यादातर वॉटर टाइप पोकेमोन को यूज़ करते हुए देखा है, और गाइस नॉर्मल टाइप को तो मैंने आज तक नहीं देखा ये मूव इस्तेमाल करते हुए। क्या पता गाइस पोकेमोन कंपनी ने क्या देखकर इस मूव को एक नॉर्मल टाइप दे दिया, नॉर्मल टाइप की जगह इसे वाटर टाइप देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो गाइस अब नंबर 4 पे है ड्रैगन असेंट। सो गाइस इस मूव की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि गाइस ये मूव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है। और गाइस ये मूव सिग्नेचर अटैक है मेगा रेक्वेजा का, और गाइस मेगा रेक्वेजा कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन गाइस इतने स्ट्रॉन्ग मूव को भी पोकेमोन कंपनी ने गलत टाइपिंग दे दी है। यस गाइस ड्रैगन असेंट की जो टाइपिंग वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। गाइस ड्रैगन असेंट की टाइपिंग है फ्लाइंग टाइप। गाइस ये बिल्कुल भी फ्लाइंग टाइप का मूव नहीं लगता। गाइस अगर ड्रैगन असेंट को ड्रैगन टाइप देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और गाइस ड्रैगन असेंट के तो नाम में भी आता है ड्रैगन, तो यार इसे ड्रैगन टाइप दे सकते थे, लेकिन गाइस इसे फ्लाइंग टाइप दे दिया जो कि गाइस बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और गाइस मैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। यस गाइस मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखे हैं, टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप मूव, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप मूव। सो गाइस उसके अंदर कई सारे मूव आते हैं ड्रैगन टाइप, लेकिन गाइस उसके अंदर ड्रैगन असेंट नहीं आता, क्योंकि गाइस वो फ्लाइंग टाइप का मूव है, लेकिन गाइस मुझे लगता था कि वो एक ड्रैगन टाइप का मूव है। और फिर गाइस मैं जाता था कमेंट करने, तभी गाइस मुझे याद आ जाता था कि हाँ ये तो एक फ्लाइंग टाइप का मूव है। और फिर गाइस जब मैं कमेंट देखता तो गाइस कमेंट में बहुत तो ये लिखे रहते हैं ब्रो ड्रैगन असेंट कहाँ पर है इस लिस्ट के अंदर, ब्रो ड्रैगन असेंट को क्यों नहीं लिया आपने इस लिस्ट के अंदर, ऐसे गाइस बहुत लोग कमेंट करते हैं। तो गाइस इन सब से ये पता चलता है कि गाइस बहुत लोग ये सोचते हैं कि ड्रैगन असेंट एक ड्रैगन टाइप का मूव है, लेकिन है ये एक फ्लाइंग टाइप का मूव। सो इसीलिए गाइस ड्रैगन असेंट को एक ड्रैगन टाइप का मूव होना चाहिए था, ना कि फ्लाइंग टाइप का मूव। तो गाइस नंबर 5 पे है ट्विस्टर। गाइस ट्विस्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और गाइस इस मूव की जो टाइपिंग है ना वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि गाइस ट्विस्टर एक ड्रैगन टाइप का मूव है। गाइस ट्विस्टर किसी भी एंगल से ड्रैगन टाइप का मूव नहीं दिखता, उल्टा ये एक फ्लाइंग टाइप का मूव होना चाहिए था। यस गाइस अगर ये फ्लाइंग टाइप का मूव होता तो गाइस बहुत अच्छा रहता, और गाइस ड्रैगन टाइप तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और गाइस जिसे ड्रैगन टाइप देना चाहिए उसे फ्लाइंग टाइप दे दिया, और जिसे फ्लाइंग टाइप देना चाहिए उसे ड्रैगन टाइप दे दिया। क्या कर रही है पोकेमोन कंपनी गाइस? और यहाँ पर गाइस ट्विस्टर कई सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमोन ही यूज़ करते हैं। गाइस मैंने कुछ ही ड्रैगन टाइप पोकेमोन को देखा ये मूव इस्तेमाल करते हुए।
और गाइज ये मूव पूरा दिखता है एक फ्लाइंग टाइप मूव जैसा। और गाइज इस मूव की तरह और भी कई मूव्स जैसे कि विंग अटैक, गस्ट अटैक और हरिकेन, इन तीनों मूव्स को तो भाई एक फ्लाइंग टाइप का मूव दिया, लेकिन गाइज इसे ही एक ड्रैगन टाइप का मूव क्यों दे दिया? अब गाइज ये तो सिर्फ पोकेमॉन कंपनी ही जानती है। सो या गाइज इसे एक फ्लाइंग टाइप का मूव देना चाहिए था, ना कि एक ड्रैगन टाइप का मूव। तो गाइज अब लास्ट मूव है यानी कि नंबर 6 पे है लिक अटैक। अब गाइज इस मूव के बारे में क्या ही कहूँ, ये मूव मुझे इतना घटिया मूव लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ गाइज। गाइज ये मूव सच में बहुत बेकार मूव है गाइज। इस मूव के अंदर पोकेमॉन अपने सामने वाले पोकेमॉन को चाट लेता है, इससे ज़्यादा इस मूव के अंदर कुछ नहीं होता। और गाइज ये मूव की जो टाइपिंग है वो बहुत ही बेकार टाइपिंग है। यस गाइज ये मूव एक घोष टाइप का मूव है जो कि देख के तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि गाइज इस मूव के अंदर पोकेमॉन अपने सामने वाले ओपोनेंट को चाट लेता है यानी कि लिक कर लेता है। सो गाइज इसमें घोष टाइप की कहाँ से बात आई, इसमें तो उल्टा इसे नॉर्मल टाइप दे तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो गाइज यही है आज के हमारे 6 ऐसे मूव जिनको गलत टाइपिंग दे दी गई है। सो चलिए गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो गाइज वीडियो पसंद आ जाओ तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे मेरी और भी पोकेमॉन की वीडियो।